हेलो गाइज तो फाइनली स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन में तो गाइज़ आज के इस वीडियो में जैसे कि हमने बताया था कि आपके जितने भी नाइन्थ टेंथ एलेवल्थ ट्वेल्थ सभी सब्जेक्ट के आपको मैं जो भी आपके एग्जाम्स हो रहे हैं चाहे वो टेंथ ट्वेल्थ के प्री बोर्ड्स हो चाहे नाइन्थ एलेवंथ के मेन बोर्ड्स हों सभी के मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा तो आज के इस वीडियो में आपका हिंदी का पेपर का पूरा सोल्यूशन मैं आज के इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर अगर अभी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ऑल सब्जेक्ट की आपको मैं वीडियोस प्रोवाइड करूंगा चाहे वो कॉमर्स आर्ट मैथ साइंस हर स्ट्रीम का हर स्ट्रीम का वीडियो प्रोवाइड करूंगा पूरा सॉल्यूशन तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस हम डा रहे हैं उसकी अपडेट आपको मिलती रहे तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देख लेते हैं इस पेपर का सोल्यूशन गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं इलेवंथ ग्यारहवीं परीक्षा दो हज़ार बीस इक्कीस हिंदी हिंदी का पेपर है ठीक है ये पेपर आपका आया हुआ था ठीक है अब ये ओपन बुक परीक्षा है तो हालांकि टेंशन लेने की बात नहीं है आपको हर सब्जेक्ट का आपको सोल्यूशन में प्रोवाइड कराऊंगा पहला क्वेश्चन है आपका सही विकल्प में मीराबाई की भाषा मूलतः थी क्या थी मीराबाई की भाषा क्या थी बंगाली राजस्थानी अवधि पारसी तो मीराबाई की भाषा थी राजस्थानी पंडित आलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर वन, को पद पर नियुक्त किया था वकील के दरोगा के मैनेजर के शिक्षक के तो दरोगा के हो जाएगा ठीक है दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे कुएं की खुदाई की जाती है कुएँ की खुदाई किससे कुल्हाड़ी से फावड़ा से बसौली से छैनी हथौड़ी से तो जगह बसौली से ठीक है अगला प्रश्न आप देखेंगे ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी तो नाइनटीन थर्टी सिक्स में सॉरी हाँ नाइनटीन थर्टी सिक्स में हुई थी ठीक है अठारह छत्तीस मत करना नाइनटीन थर्टी सिक्स था ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना अब इनमें से महाकाव्य हैं महाकाव्य क्या पंचवटी रामचरित मानस सभी रामचरित मानस महाकाव्य फिर आगे आप पांच नंबर का हेलो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं घबराइए मत सबका सोल्यूशन है डाउट नट आप अगर किसी भी सवाल में अटक गए हैं या फिर आपको सोल्यूशन नहीं आता है तो सिंपल से आपको सवाल का पिक्चर क्लिक करना है क्रॉप करना है और फाइव सेकंड के अंदर आपको सोल्यूशन वीडियो के साथ मिल जाएगा चाहे वो होमवर्क हो सी बी एस ई बोर्ड का हो यू पी बिहार महाराष्ट्र राजस्थान एम पी या किसी अदर स्टेट बोर्ड का हो चाहे वो आई आई टी जे ई नीट या क्लास थर्टी से लेकर के बारहवीं तक का सवाल हो सबका जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर को, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर साथ ही साथ कोटा के बेस्ट फैकल्टी टीचर्स जैसे जी बी सर एन जे सर आकांक्षा मैम प्रिंस सर टॉप टीचर से पढ़ने का मौका यानी कि पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर तीन करोड़ से ज़्यादा बच्चे पढ़े हैं डाउटनट पर तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स आया हुआ है खाली स्थान तो उसे भी देख लेना है डैश डैश को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है किसे प्रसाद को संत को पंत को सो तो सुमित्र नंदन पंत को इनको सुकुमार कवि कहा जाता है बचपन से डैश डैश कुशाग्र बुद्धि का था कौन मोहन की धनराम तो मोहन बचपन से मोहन कुशाग्र बुद्धि का था बुद्धि का था अगला प्रश्न देखिए आप लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म उनका डैश डैश है क्या संगीत गान पान तो इसका हो जाएगा गान पान लता जी का लोकप्रियता का क्योंकि वो गान पान भी ज्यादा उनका मतलब वही था ठीक है फिर रस के डैश डैश अंग है कितने अंग है चार अंग ये आपको पता है स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव ये ठीक है अगला है मा, माधुर्यता का शुद्ध शब्द डैश डैश है मधुराई की माधुर्य तो इसका हो जाएगा माधुर्य माधुर्य ऑप्शन हो सही हो जाएगा अगला प्रश्न आप देखेंगे सत्य सत्यसत कमीज ना होने पर लोग अपने पैरों से पेट ढक लेते हैं तो ये सत्य हो जाएगा ठीक है अगला जामुन का पेड़ कहानी विधा है तो ये भी हो जाएगा सत्य आपका ठीक है आपके चैप्टर से है तो इसका ये सत्य होगा वैदिक काल में संगीत के चार प्रकारों का उल्लेख है तो ये भी सत्य हो जाएगा आपका अगला प्रश्न देखेंगे आप निरक्षर लोगों के लिए समाचार पत्र एक सशक्त माध्यम है सत्य हो जाएगा ठीक है निरक्षर लोगों के लिए समाचार एक सशक्त ये सशक्त माध्यम है ये असत्य हो जाएगा ठीक है निरक्षर लोगों के लिए समाचार थोड़ी पढ़ पाएंगे वो तो निशक्त माध्यम हो जाएगा तो ये असत्य हो जाएगा चौथा अगला देखिए पूर्ण विराम का प्रयोग किसी कथन के पूर्ण होने पर किया जाता है हाँ तो ये सत्य हो जाएगा ठीक है ऊपर के तीन सत्य चौथा असत्य पांचवा सत्य अगला देखिए सही जोड़ी बनाइए आओ मिलकर बचाएं का संबंध किससे है आओ मिलकर बचाएं का संबंध है निर्मला पुतुल से मेरी कहानी का संबंध है मेरी कहानी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ठीक है फिर रात दिन रात दिन हो जाएगा द्वंद समास ठीक है फिर वाक्य रसात्मक काव्य वाक्य रसात्मक काव्य कौन सा आचार्य विश्वनाथ जी इसका संबंध हो जाएगा ठीक है अगला देखिए जिसका अर्थ चिपका हुआ हो श्लेष कहलाता श्लेष अलंकार ठीक है तो ये इस प्रकार से आपके सही जोड़ी हैं तो सही जोड़ियों को अच्छे से मिला लें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लें अगला प्रश्न है आपका एक वक्त में एक शब्द में उत्तर लिखिए आदिवासियों में क्या पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है आदिवासियों में मादक पदार्थ क्या जाएगा मादक पदार्थ बोल सकते हैं या मदिरा बोल सकते हैं दो में से कुछ भी लिख सकते हो मादक पदार्थ या मदिरा अगला है भारत माता के भारत माता पाठ के लेखक का नाम लिखिए तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू क्या हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ये आंसर आपको लिख लेना है अपने कॉपी में जो कम बोलता है, उसे क्या कहते है? तो जग, जो कम बोलता है उसे मित भांसी बोलते क्या बोलते बेटू मित भाँसी ठीक है ये लिख लेना अंगला देखो मोहन को गर्म भैंस का दूध पिलाइए वाक्य शुद्ध कीजिए मोहन को गर्म भैंस का दूध पिलाइए क्या हो जाएगा मोहन को गर्म दूध पिलाइए या फिर ये बोल सकते हो मोहन को भैंस का गर्म दूध पिलाइए ठीक है अगला देखिए पतन पाप पाखंड जले पंक्ति में कौन सा अलंकार है तो पतन पाप ताप पाखंड जले में अनुप्राश अलंकार है क्या है अनुप्राश अलंकार क्लियर फिर इसके बाद है इस कबीर ने अपने दो अपने आप को दीवाना क्यों कहा है लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं कवि भावानी प्रसाद में अपनी वास्तविक स्थिति को पिता से क्यों छिपाना चाहते हैं तो इन सब का क्वेश्चन इन सब का आंसर आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के चैनल पे वहाँ मैं आपको इनका सबका का पीडीएफ बना के सभी आंसर्स का पीडीएफ डाल दूंगा और उस पीडीएफ का पासवर्ड जो है उसका उस पीडीएफ का पासवर्ड है हिंदी हिंदी एट्टी फोर ठीक है हिंदी एट्टी फोर आप पासवर्ड डालोगे तो उस पासवर्ड से आप उस पीडीएफ को एक्सेस कर पाओगे और जितने भी आंसर आपको नहीं मिल रहे हैं अगर अगर आपको खुद पर भरोसा और ख़ुद से आप करना चाहते हो तो वो अच्छी बात है लेकिन अगर आपको पीडीएफ क्वेश्चन uh, के आंसर नहीं मिल रहे हैं हर क्वेश्चन का है हर क्वेश्चन का एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन सभी का अगर आपको नहीं मिल रहा है इन सब का सोल्यूशन तो हमारा वो पी लीजिए और पासवर्ड मैंने जैसा कि बता दिया तो उस पा उस पासवर्ड से आप पी डी एफ का एक्सेस करिए और अपनी कॉपी अच्छे तरीके से साफ सुथरे तरीके से लिखना एकदम नीट एंड क्लियर क्योंकि ओपन बुक एग्ज़ाम हो रहे हैं तो आपके जो मेंटल जो भी आपको याद करना था बाईबार तरीके से है नहीं आपको याद नहीं रख करना है डायरेक्ट आपको छाप देना है तो राइटिंग तो आपकी अच्छी होनी चाहिए ना तो एग्जामिनर जो है इतना तो आपसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि आप अच्छी राइटिंग में लिखें उसे ठीक है तो बढ़िया साफ़ सुथरी राइटिंग में अच्छे से आपको कर देना है ऑल सब्जेक्ट का मैं आपको प्रोवाइड करूंगा सभी सब्जेक्ट का ठीक है तो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करो वहाँ आपको सभी स्टडी मटेरियल पी आपको फ्री में मिलेगा सो बस आज की वीडियो में इतना ही था थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो जय हिंद जय भारत